सचेत और परंपरा, ये वो दो लोग हैं जो इंटरनेट पर अभी अपनी वॉइस से धमाल मचा रहे हैं। मीरा के प्रभु जो लोग इन्हें नहीं जानते उनमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लोग सिर्फ शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं, पर नहीं। सचेत और परंपरा एक प्रोफेशनल सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक लंबा सफर तय करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाई है। सचेत और परंपरा ने बॉलीवुड में छोड़ देंगे बेख्याली, दिलबरा, मेरे सोनिया, नजर बट्टू और टॉयलेट मूवी का सॉन्ग सुबह की ट्रेन जैसे बड़े बड़े हिट सॉन्ग गाए हैं। सचेत और परंपरा की आवाज़ जितनी प्यारी है उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी भी है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सचेत और परंपरा के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सचेत और परंपरा ने हाल ही में शादी की है, जिसमें हस्बैंड का पूरा नाम सचेत टंडन है और वाइफ का पूरा नाम परंपरा ठाकुर है। बात करें परंपरा ठाकुर की तो 28 फरवरी 1992 को नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। परंपरा के माँ पापा दोनों लोगों को ही सिंगिंग बहुत पसंद थी। परंपरा के पापा ने साल 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट भी खोला था। माँ पापा सिंगिंग किया करते थे, इसीलिए जब परंपरा भी थोड़ी सी समझदार हुई तो वो भी सिंगिंग में बहुत रुचि लेने लगी। परंपरा ने सिंगिंग की ट्रेनिंग अपने पापा के इंस्टीट्यूट से ही लेना शुरू कर दिया था। परंपरा पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी टाइम सिंगिंग को भी दिया करती थी। बात करें उनकी स्कूलिंग की तो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई नोएडा के ही एक स्कूल से की है। परंपरा पढ़ाई में भी शुरू से ही अच्छी थी। आप उनके हार्ड वर्किंग होने का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करके म्यूजिक को भी पूरा टाइम दे देती थीं। स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज से की। परंपरा ने बचपन से ही मन बना लिया था कि वो सिंगर बनेंगी। इंतजार था तो वो था पढ़ाई खत्म होने का। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद परंपरा ने साल 2015 में सिंगिंग रियलिटी शो वॉइस इंडिया में ऑडिशन दिया। परंपरा का ये पहला ऑडिशन था जिसमें उनकी वॉइस जजेस को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए रियलिटी शो में उनका सिलेक्शन कर लिया गया। तब परंपरा की उम्र 23 साल थी। वॉइस इंडिया शो में चार जज थे, हिमेश, मीका सिंह, शान और सुनिधि चौहान। शो में हर जज की एक टीम होती थी जिसमें कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से किसी भी टीम में जा सकता था। परंपरा ने मीका की टीम को चुना। परंपरा वॉइस इंडिया शो की सेकेंड रनर अप रही। परंपरा की स्टोरी को यहीं रोकते हुए अब सचेत टंडन की जर्नी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी। सचेत टंडन का जन्म 17 अगस्त 1989 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। परंपरा की तरह सचेत किसी म्यूजिक फैमिली से नहीं है, लेकिन उनको बचपन से ही म्यूजिक का शौक था जो उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। बात करें उनकी स्टडी की तो सचेत ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट फीडस स्कूल से की। स्कूल के टाइम से ही सचेत ने प्रोफेशनल सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। सचेत ने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। स्कूलिंग के बाद जब सचेत कॉलेज में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जो उनके कॉलेज में ही था। सचेत भी बचपन से ही बॉलीवुड सिंगर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कॉलेज टाइम से ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया, पर उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका स्ट्रगल ऑडिशन के थ्रू चलता रहा। सचेत को इतना ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि उनका आत्मविश्वास भी गिर गया। उन्हें लगने लगा कि उनके अंदर वो टैलेंट है ही नहीं जो उनको ऊपर ले जा सके। तभी साल 2015 आ गया, जिस साल सचेत ने वॉइस इंडिया में ऑडिशन देने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर शायद मैं कभी सिंगिंग में आगे नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था। सचेत ने ऑडिशन दिया, उनकी आवाज़ सभी जजेस को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए सभी जज उन्हें अपनी अपनी टीम में लेना चाहते थे।
सचेत ने उस शो में हिमेश की टीम को चुना। उनकी आवाज लगातार सभी को इम्प्रेस कर रही थी। वो शो जीत तो न सके पर फाइनलिस्ट जरूर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छी पहचान मिल गई। द वॉइस इंडिया शो से ही शुरुआत हुई सचेत और परंपरा के मिलने की। जब टॉप फोर में सचेत और परंपरा पहुंच गए थे, तब सचेत काफी अपने आप में ही खोए हुए स्वभाव के व्यक्ति थे, पर फिर भी परंपरा ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। परंपरा बताती है कि पता नहीं क्यों उस दिन सचेत का मूड खराब था, इसीलिए परंपरा के विश करने पर सचेत ने उन्हें चल हट बोल दिया। परंपरा को ये बात बहुत बुरी लगी और वो वहीं रोने लगी। परंपरा को रोता देख सचेत को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने सॉरी बोलते हुए परंपरा को चुप कराया। इस शो में इन दोनों की थोड़ी बहुत ही बात हुई थी, कोई खास दोस्ती भी नहीं हुई। शो खत्म होने के बाद सब अलग अलग हो गए। फिर इस शो के लगभग 6 महीने बाद मीका सिंह ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी, जिसमें परंपरा और सचेत को भी शामिल किया। इस बार सचेत और परंपरा जब मिले तो काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहे और बातें भी काफी की, जिससे उनकी दोस्ती भी अच्छी हो गई। एक रात वहां रुकने के बाद सचेत लखनऊ और परंपरा नोएडा चली गई। अपने अपने घर जाने के बाद भी ये लोग कनेक्टेड थे और यहीं दोनों ने प्लान बनाया कि वो मुंबई जाकर साथ कवर सॉन्ग गाएंगे। वो दोनों कवर सॉन्ग गाने और साथ में करियर को आगे बढ़ाने मुंबई आ गए। मुंबई आने के एक साल बाद उन्हें टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में गाना गाने का मौका मिल गया। ये सॉन्ग था सुबह की ट्रेन। ये गाना काफी पसंद किया गया, इसीलिए उन्हें और भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने के ऑफर आने लगे। उसके बाद उन्हें यमला पगला दीवाना 2, बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास जैसी मूवीज में और भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने को मिलने लगे। लेकिन कई मूवीज में काम करने के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो उन्हें कबीर सिंह मूवी के एक ही सॉन्ग बेख्याली गाने के बाद मिल गई। बेख्याली सॉन्ग बहुत बड़ा हिट रहा, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। न सिर्फ बेख्याली, साल 2019 खत्म होते होते उनका एक और बड़ा हिट सॉन्ग आया, पति पत्नी, और वो मूवी से दिलबरा। एक दूसरे के साथ काम करते हुए उनके विचार भी एक दूसरे से बहुत मिलने लगे और पता नहीं कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2021 में सचेत और परंपरा का एक और बड़ा हिट सॉन्ग आया, जिसमें नौरा फतेही की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। नाम है छोड़ देंगे। एक दूसरे के लिए अपने अपने दिल में काफी ज्यादा प्यार हो जाने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और साल 2020 में 27 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सीने से तेरे सर को लगा के। शादी के बाद सचेत और परंपरा अपनी सिंगिंग के शॉर्ट वीडियो काफी पोस्ट करने लगे और उन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया, इसलिए दोनों वायरल भी हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सचेत और परंपरा से जुड़ी और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सचेत की फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और जब भी कोई लड़की सचेत को देखती है तो परंपरा को जलन नहीं होती, बल्कि सचेत पर प्राउड होता है। परंपरा बताती हैं कि हमारी शादी के दिन सचेत शादी के काम में इतने बिजी हो गए थे कि खुद भी तैयार नहीं हो रहे थे। फिर परंपरा ने उनको याद दिलाकर कहा, तैयार हो जाओ, हमारी ही शादी है। सचेत परंपरा का एक YouTube चैनल भी है, जिस पर ये लोग सिंगिंग वीडियो ही डाला करते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक वो YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर चुके होंगे। Instagram पर इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स। इनके अलावा सचेत के अकाउंट में लगभग 9 लाख फॉलोवर्स और परंपरा के अकाउंट में लगभग 8.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी लव और लाइफ स्टोरी सिंगर कपल सचेत और परंपरा की। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं सचेत और परंपरा की जोड़ी हमेशा हंसती खेलती सलामत रहे और दोनों ही अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, आपकी हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। यार मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना यार, तुम मुझे नहीं अच्छी लगती। पर तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे सपनों की रानी हूँ। हाँ तो अब मैं उठ गया।
डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।